ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। टॉप 10 इज स्पॉन्सर्ड बाय सेवलिव ड्रॉप्स एंड एसएस एंटरप्राइजेस। दिल्ली में लगातार कोरोना की गिरावट दर्ज, बीते 24 घंटे में 94 नए मामले आए सामने, 240 लोग हुए ठीक, 9 लोगों की हुई मौत। बीजेपी में चुनावी साल में बदलाव जारी, पहले मेयर बदले गए, अब जोन चेयरमैन भी बदल दिए गए हैं। इस बार बीजेपी ने केशवपुरम जोन से योगेश वर्मा, रोहिणी जोन से उपमहापौर ऋतु गोयल और नरेला जोन से निगम पार्षद अंजू देवी को चेयरमैन की कमान दी गई। विकास गोयल ने कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ मनाया अपना 41वां जन्मदिन। इस मौके पर काफी भारी संख्या में पहुंचे लोग, उनको जन्मदिन की दी गई शुभकामनाएं। बीजेपी नेता के जुलूस से बड़ा विवाद, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर किसानों से हुई झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता का आरोप लोहे की रॉड से किया गया हमला, कई लोग हुए घायल। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन यानी DMA ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ बढ़ते हिंसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। DMA ने याचिका में कोर्ट से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के साथ मुआवजे के लिए पॉलिसी बनाने की गई मांग। डॉक्टर्स डे के मौके पर दिल्ली के रोहिणी जोन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स ने वैक्सीन के प्रति जागरूकता के लिए निकाली साइकिल रैली, सुबह तड़के सभी डॉक्टर्स ने चलाई साइकिल। शहदरा सिलेंडर ब्लास्ट मामले में पुलिस ने 2 युवकों को किया गिरफ्तार, मंगलवार को घटी इस घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की हो गई मौत। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आत्माराम गोयल और मनोज गोयल के रूप में की गई। दिल्ली के गौतम नगर से बुधवार रात डॉक्टरों के साथ मारपीट का मामला आया सामने, जहां पराठे खाने गए कुछ डॉक्टरों की दुकानदारों के साथ कहासुनी के बाद हो गई थी झड़प, इस झगड़े में 4 लोग हुए घायल। राजधानी दिल्ली में मलेरिया हुआ जानलेवा, जांच WHO की गाइडलाइंस के अनुसार नहीं, MCD है लापरवाह। गर्म हवाओं और बढ़ते तापमान से अभी नहीं मिलेगी राहत, मानसून की बारिश का है इंतजार। ऐसे ही तमाम दिल्ली NCR की खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर